हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे LIC AAO का PYQ सॉल्व। ये जो पेपर है वो मेमोरी बेस्ड पेपर है जो कि आपका 2019 में आया था, वैसा पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके जो है मेंस में 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे LIC AAO मेन्स के। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है, हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें से इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। बोला ये जा रहा है कि भाई आपके पास 5 एजम्पशन है, एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको पढ़ के बताना है कौन सा एजम्पशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बैंकिंग इंडस्ट्री सेक्टर इज फेसिंग टफ टाइम, बहुत कठिन समय सामना कर रहा है बैंकिंग क्षेत्र इस समय। बट द सेक्टर इज फेसिंग ओनली शॉर्ट टर्म पेन एज द राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज प्रूविंग अ की चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री एट लार्ज। लेकिन ये क्षेत्र केवल कुछ ही समय का दर्द का सामना कर रहा है क्योंकि NPA में वृद्धि बड़े पैमाने पर उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो रही है। The regular wanted some stringent measures to be taken, और नियामक ये चाहता है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जो और सरकार इतने सारे सुधार और नीतियां लेकर आ रही हैं। दिए गए कथन में से कौन सा जो है आप assumption मान सकते हैं? वो ये बोलना चाह रहा है कि जो ये NPA है उसका जो NPA है वो एक चैलेंज है फॉर द इंडस्ट्री, और जो रेगुलेटर है वो ये चाहता है कि कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं और सरकार भी इतने सारे जो है वो रिफॉर्म या पॉलिसीज लेकर आ रही है। बताना हमें यह है कि इन 5 जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा एज्यूम किया जा सकता है फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट में बता रहे हैं कि जो NPA है वो 2.4% ज़्यादा हो गया है पिछले 2 सालों से एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट वन। अभी की तुलना में पहले के 2 सालों से 2.4% NPA ज़्यादा हो गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ बोल रहे हैं, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर नॉट इनफ टू रिवैम्प द बैंकिंग सेक्टर। बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी नहीं है फॉर द रिवैम्प, मतलब जो बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार चाहिए उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। तो ये बात तो गलत है क्योंकि भाई यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज लेकर आ रही है, और यहाँ पर ये बात आप पहले से एज्यूम कैसे कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं वो सही नहीं है, वो या फिर पर्याप्त नहीं है। तो ये बात यहाँ पर नहीं एज्यूम कर सकते आप पहले से इस स्टेटमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग फार बेटर देन द बैंकिंग सेक्टर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। देखो इसके बारे में यहाँ तो कोई बात ही नहीं करी गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म बेटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ बस ये बताया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर टफ टाइम फेस कर रहा है और जो NPA है उनके लिए उनका जो है वो एक की चैलेंज है फॉर द इंडस्ट्रीज, और बाकी सारे जो रेगुलेटर्स हैं वो कुछ नया लेकर आ रहे हैं, वो कुछ नया चैलेंज ला रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है ताकि सुधार किया जा सके। तो और अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार भी उसके लिए काम कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है बेटर या नहीं कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है, इसका मतलब C ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं फिट बैठ रहा है। फोर्थ में लिखा है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुटेबल एक्सपीडियंट द थिंग्स आर लाइकली टू बी चेंज फॉर बैंकिंग सेक्टर। हाँ, ये बात लग रही है कि अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब जो सरकार लेकर आ रही है पॉलिसीज और जो रेगुलेटर ने बोला कि वो चाहता है कुछ चेंजेस होना, तो उससे क्या होगा, कुछ बदलाव आएंगे बैंकिंग सेक्टर में। तो हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि इसकी बदलाव की वजह से जो है वो यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ समय का ही शॉर्ट टर्म पेन है, बाकी बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो ये D ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे लिख रहे हैं, इंक्रीज इन द NPA ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। देखो ओनली फैक्टर तो नहीं है NPA, केवल ये हम ये नहीं बोल सकते कि NPA की वजह से ही बैंकिंग सेक्टर टफ टाइम फेस कर रहा है, तो ये बात भी यहाँ पर सही नहीं बैठ रही है। और NPA कितना था कितना नहीं था इस बारे में भी यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब यहाँ पर केवल D ऑप्शन जो है वो आपका फिट बैठ रहा है। यहाँ पर हम D ऑप्शन टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन विच ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई 5 कंक्लूजन, रीड द केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। 5 आपको कंक्लूजन दे रखे, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो, भारतीय कृषि के लिए पानी का एक आवश्यक स्रोत होने के अलावा मानसून एशिया के प्रदूषकों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हाल ही में बड़ा प्रदूषण, विशेष रूप से कोयले के जलने से, मानसून की इस क्षमता को संभावित रूप से कमजोर कर दिया है। तो इसके हिसाब से इस कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भारतीय कृषि है, जो मतलब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो पानी का एक स्रोत है, एक ज़रूरी है पानी होना, उसके अलावा जो मानसून एशिया से प्रदूषकों को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और जो प्रदूषण बढ़ रहा है हाल ही में वो किस लिए बढ़ रहा है? कोयले के जलने के कारण बढ़ रहा है। मानसून की क्षमता को संभावित रूप से कमजोर कर सकता है, और जो ये कोयले के जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है वो मानसून की क्षमता को भी कमजोर कर सकता है, ये हमको बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला जा रहा है, फर्स्ट में क्या बोल रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में भारत में पिछले कुछ दिनों से पर्टिकुलर मैटर की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता के स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। तो हाँ, ये बात यहाँ से आप निकाल सकते हो कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण के, क्योंकि कोयले का जलना जो है वो हवा से ही फैलेगा, हवा की वजह से ही प्रदूषण फैलेगा, इस वजह से ही मानसून की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर ठीक हो सकती है, फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है। ठीक है, दूसरा वाला पढ़ के देखते हैं। जैसे जैसे जलवायु गर्म होती जाती है, बारिश की आवृत्ति कम हो जाती है और मोटे कणों में इस तरह की उछाल से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और सरकार अलार्म के लिए नहीं जागी है। तो भाई सरकार के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है, और दूसरी बात यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इस बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, इसलिए स्टेटमेंट बी तो यहाँ पर, जो आपका बी ऑप्शन है वो तो यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तीसरा पढ़ के देखते हैं। देश में शुष्क दौर की अवधि और अवधि दोनों अवधि एक मिनट लिखा है, बोथ द प्रियोरिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ड्राई स्पेल्स इन द कंट्री वर राइजिंग एज टोटल रेनफॉल इवेंट इन द ईयर had fallen even though the average rainfall in the year has not changed much, a direct consequences of climate change। बताया जा रहा है कि देश में जो शुष्क दौर की अवधि है वो बढ़ रही है, क्योंकि एक वर्ष में कुल वर्षा की घटनाओं में कमी आ गई थी। हालांकि एक वर्ष में औसत वर्षा में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन यहाँ पर हमें बारिश के बारे में, कितनी बारिश हुई है कितनी नहीं हुई है, उसके बारे में इस स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मतलब सी ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नहीं सही बैठ रहा है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं। लिखा है वार्षिक औसत वर्षा समान बनी हुई है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो भाई ये भी यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोयले की वजह से मानसून में कमी आ सकती है, यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछले 2 दशकों से भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो ये बात भी यहाँ पर सही नहीं बैठ रही है। लास्ट पढ़ लेते हैं, फिफ्थ वाला। पश्चिमी भारत विशेष रूप से राजस्थान में धूल भरी आंधी के कारण इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है। तो ये बात भी यहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि राजस्थान में क्या हाल है या पश्चिमी भारत में क्या हाल है। इसका मतलब आपके बाकी सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे हैं, केवल फर्स्ट वाला ये जो थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप टिक करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें दे रखिए कि पजल जो कि है बेस्ड फैमिली ट्री विद द सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जामिनेशन के लिए फॉर द मेंस, कि आपको अरेंजमेंट जो रखा होता है साथ में आपको उसका फैमिली ट्री भी बनाना है। तो आपको यहाँ पर वही है, 8 मेंबर्स दे रखे हैं, तो वो 3 जनरेशन से हैं, और जो है हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से क्यू से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल हैं इस फैमिली में। दे ऑल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं और सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, लिखा ये क्यू सिट्स एट द लेफ्ट ऑफ हिज मदर इन लॉ। इसका मतलब यहाँ पे जो क्यू है भाई वो उसकी मदर इन लॉ है, तो आप यहाँ पर बना लो क्यू मदर इन लॉ है, इसका मतलब इसके स्पाउस की मदर जो होंगी वो यहाँ पर आपको गिवन है, जो कि बैठी है लेफ्ट में आर की सिस्टर के। इसका मतलब कोई एक पर्सन आर है यहाँ पर जिसकी आपको सिस्टर भी दे रखी है, तो हमने उसको बना लिया। इस टाइप की पजल अभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको बीआर बनाना है प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। तो वहाँ पर आप उसको 2 बार पढ़ लोगे, जितना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप पहले बनाओगे रिलेशनशिप और फिर आप बनाओगे अरेंजमेंट। ठीक है, इससे आपका थोड़ा जल्दी काम और इजीली काम हो जाएगा। देखो कैसे होता है वो आप समझो। यहाँ पर फिर बोल रहे हैं एन इज मैरिड, एन की शादी नहीं हुई है। ओ हैज ओनली 1 सन, अब कोई व्यक्ति ओ है जिसका केवल एक ही पुत्र है। पी इज अ ग्रैंड सन ऑफ ए का कोई ग्रांड सन है जो कि है बी। एंड हु सिट्स एट द राइट ऑफ एन हु इज द आंट ऑफ बी। बी की आंट कौन है भाई? एन है। अब आप बी यहाँ लिख चुके हो, बी की जो आंट है वो क्या आनी है? एन आनी है। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, बी की आंट क्या आ जाएगी? एन आ जाएगी। ओ इज द मदर ऑफ आर, अब जो ओ है भाई वो आर की मदर है। ठीक है, तो भाई ओ इज द मदर ऑफ आर। अब आर यहाँ पे फीमेल भी हो सकता है मेल, तो इसलिए मैंने अलग लिख लिया, अभी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर का बोल रहा है एक बेटा है, दूसरा बच्चा अगर होगा तो वो इनकी बेटी हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग लिखा है अभी फिलहाल। फिर लिख रहे हैं एम इज मदर इन लॉ ऑफ पी, तो भाई इसको भी लिख लो एम इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब क्यू जो पर्सन है उसका यहाँ पर आपको ब्रदर इन लॉ भी देखने को मिलेगा, मतलब क्यू की जो स्पाउस होगा उसका भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर लिखे एन इज द ओनली डॉटर ऑफ एम, एन जो है भाई इनकी डॉटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये जो है ना ये इनकी डॉटर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हो सकता है पर्सन जो हो वो मेल हो, क्योंकि ओनली डॉटर बोला है, हो सकता है दूसरा जो बच्चा हो वो इनका मेल हो, है ना, सन हो सकता है। फिर लिख रहे हैं ए और ओ जो है वो मैरिड कपल नहीं है, तो आप ए और ओ लिख के इसको क्रॉस कर दो कि ए और ओ मैरिड कपल नहीं है। फिर लिख रहे हैं सन ऑफ क्यू, अच्छा क्यू का जो है ना वो आपको सन भी दे रखा है। फिर थर्ड द राइट ऑफ क्यूज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ तो हम पहले लिख चुके हैं कि वो है यहाँ पर ब्रदर इन लॉ कोई क्यू का। आर इज नॉट मैरिड, आर जो है वो मैरिड नहीं है, ठीक है, आर इज अ सिंगल पर्सन हियर। एंड एन इज नॉट द नेबर ऑफ पी एंड पी इज मैरिड टू क्यू, तो हमें यहाँ पता लग गया कि पी की शादी क्यू से हो रखी है, तो आप यहाँ पर बनाओगे इस तरह से क्यू, ठीक है, क्यू इज मैरिड टू पी, राइट। अच्छा पी जो है भाई, और यहाँ पर बताया गया है कि जो पी है उनकी मदर इन लॉ कौन है भाई, एम है, इसका मतलब जो एम है वो क्यू की क्या हो गई, मदर हो गई, तो आप एम यहाँ बना दोगे, एम इज द मदर ऑफ क्यू। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एन है वो डॉटर है, लिखा था ओनली डॉटर है, राइट, इसका मतलब जो क्यू है क्यू इज मेल है, राइट, क्योंकि अगर वो डॉटर है तो दूसरा बच्चा इनका सन हो जाएगा, जब ये मेल है तो इसका मतलब पी क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या बोला गया था भाई, क्यू का कोई ब्रदर इन लॉ है, मतलब क्यू का जो स्पाउस है, मतलब जो पी है उनका यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा एक भाई। अच्छा क्यू का एक सन भी है यहाँ पे बोला गया, मतलब आपने ये बना लिया, ये बना लिया, और यहाँ पे क्या ये बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा था कि जो भाई एन है, एन क्या है भाई, आंट है किसकी, बी की, तो बी आप यहाँ बना लोगे, बी की आंट हो गई कौन, एन। और जो एन है वो क्या है, जो ए है वो क्या है, इनके ग्रांड पेरेंट्स हैं, राइट, तो आप बी बना चुके हो, बी यहाँ पर आ गया, इनके पेरेंट्स क्यू और पी हो गए, और इनके पेरेंट्स कौन होगा, ए, ए इज मेल है, क्योंकि यहाँ पर आपको ए बनाना है उनका ग्रैंड पेरेंट में, राइट, और ए और ओ मैरिड नहीं है, तो ए और एम मैरिड है, ओ मैरिड नहीं है। अब देखो बचा क्या क्या है आपके पास, अभी ओ और आर बचा हुआ है। अच्छा ओ क्या है भाई, मदर है, किसकी मदर है, आर की, और स्टार्टिंग में लिखा था कि मैरिड कपल केवल दो ही हैं, तो मतलब मैरिड कपल तो कंप्लीट हो चुके हैं आपके पास, ठीक है। और आर को आपको बनाना है, आर का एक बेटा भी है आपको बनाना ना, ओनली सन आपको बोला गया था, तो आप जो ओ है वो यहाँ ले सकते हो, ओ का एक बेटा ये हो गया, और एक बेटी जो उनकी पी हो गई, ठीक है। और आर यहाँ लोगे कि आर क्या है, इनका बेटा या बेटी, बेटा आ रहा है फिलहाल तो यहाँ पर, और फिर बोला ये जा रहा है कि आर की कोई बहन भी है, दैट मीन्स यहाँ पर पी हो गई आर की बहन। अब देखो कितने लोग हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए कंप्लीट, तो ये बन गया आपका फैमिली ट्री। और ओ यहाँ पर क्या था, फीमेल था, तो ओ यहाँ पर आप बना दोगे फीमेल। तो इस तरह से आपका एक काम तो निपट गया जो कि था फैमिली ट्री का। अब क्या करना है आपको, अब बहुत आसान सा काम बचा है, अब बस आपको इन सबको एक सर्कुलर टेबल पर सेट करना है, इन 8 लोगों को, और आपको ये जो कंडीशन आपको दे रखी है सारी पजल में वो फिर से पढ़नी है और सेट कर लेना, जो कि आपका बहुत आसान सा काम बचा है। अब देखो आपने बनाया एक सर्कल और यहाँ बना लिया आपने 8 लोग, ठीक है। बोला ये जा रहा है भाई क्यू जो है वो अपनी मदर इन लॉ के थर्ड लेफ्ट में है, मदर इन लॉ कौन है भाई, इनकी इनकी मदर इन लॉ है ओ, तो ओ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, क्यू है, ठीक है। ओ ये बनाया, थर्ड लेफ्ट में क्यू आपका आ गया, ये आ गया। अब हु मतलब मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब ओ की बात कर रहे हैं, ओ जो है वो लेफ्ट है और आर की सिस्टर के, मतलब पी के लेफ्ट में है ओ, दैट मीन्स पी आप यहाँ ले लोगे, पी के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में ओ ये आ गया आपका, ठीक है। एन इज अनमैरिड, ये तो ठीक है, ओ इज द ओनली सन ऑफ, ठीक है, पी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, हु सिट्स थर्ड द राइट ऑफ एन, ठीक है। एन के थर्ड राइट में कौन है भाई, ए है, तो एन के थर्ड राइट में आपको ए बनाना है, आपने इसको लिख लिया क्योंकि अभी पता नहीं है एन और ए कहाँ पर आना है। फिर क्या लिख रहे हैं, देखो फिर यहाँ लिखा है कि जो एम है, एम इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू कौन है, आर है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई, एम है, तो आर के लेफ्ट में आपको क्या लेना है, एम लेना है, इस तरह से, ठीक है। फिर एन इज द ओनली डॉटर ऑफ एम, ठीक है, एम ये तो हो गया आपका, ए और ओ मैरिड नहीं है, और बोल रहे हैं सन ऑफ क्यू, मतलब कि बी की बात कर रहा है कि जो भाई बी है वो क्यू के ब्रदर इन लॉ, मतलब आर, आर के इमीडिएट नहीं थर्ड राइट में है, आर के थर्ड राइट में कौन है भाई, बी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये बनाना है, तो आर के लेफ्ट में तो एम है और थर्ड राइट में कौन है भाई, बी है, तो इस तरह से आपको ये एम आर बी सेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, आर जो है वो मैरिड नहीं है, जो कि नहीं है, और फिर बोला है कि एन जो है वो पी का नेबर नहीं है, तो एन और पी जो है वो साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अब आप इसको सेट कर लो, देखो आपको आर और एम करना है साथ में सेट, तो आर या तो यहाँ कर सकते हो आप सेट, आर के लेफ्ट में आए बट आर के 1 2 3 गैप पे यहाँ पे बी पॉसिबल नहीं है आ पाना, दैट मीन्स यहाँ तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको जगह दिख रही है एम और आर लिखने की, आपने यहाँ पे लिख के देखा, एम के थर्ड राइट में आपका बी आ गया और एन की जो है थर्ड राइट में ए है और एन और पी साथ में नहीं है, इसका मतलब एन यहाँ आ जाएगा, थर्ड राइट में आपका ए आ गया जो कि आपका ये पूरी तरह से सेट हो गया। तो ये है तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, ये आपका ब्लड रिलेशन है जो कि आपने इस पूरी तरह से सेट कर लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पजल रहती है फॉर द मेंस, आपको आई थिंक समझ में आया होगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है इस पजल को। इस पजल के आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं और आप इसे आराम से सॉल्व कर लोगे आई थिंक, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि सॉल्व करना कैसे। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से सॉल्व कर लेने हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन मूव करेंगे जो कि हमारे पास 4 क्वेश्चन लॉगिज्म के हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑल एसबीआई इज आरबीआई, सारे एसबीआई क्या है भाई आरबीआई हैं। सम आरबीआई इज यूबीआई, ऑल यूबीआई इज बीओबी एंड सम बीओबी इज नॉट पीएनबी, कुछ बीओबी क्या है पीएनबी नहीं है। अब फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है भाई, सम बीओबी इज आरबीआई, कुछ बीओबी क्या आरबीआई है, हाँ है। देखो ये बीओबी का पार्ट आपको दिख रहा है आरबीआई में आता हुआ, हाँ ये दिख रहा है पार्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। सम बीओबी इज आरबीआई, तो ये आपका फर्स्ट वाला तो ठीक है। फिर क्या लिख रहे हैं, सम यूबीआई इज नॉट पीएनबी, कुछ यूबीआई जो है पीएनबी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये तो आपको पता नहीं है यूबीआई और पीएनबी के बारे में कुछ भी, तो ये तो आपका गलत है, जब पता नहीं है तो आप आंसर क्या लगाओगे। फिर थर्ड बोल रहे हैं ऑल पीएनबी इज बीओबी इज पॉसिबिलिटी, सारे पीएनबी बीओबी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है बट यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन में आपको बोला गया था कि कौन सा फॉलो नहीं करना है आपको वो बताना है, डज नॉट फॉलो। तो आपका बी सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, यहाँ पर भी आपको बताना है ये कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहले बनाते हैं वेन डायग्राम, लिखा है सम सेकेंड्स आर आर, कुछ सेकेंड्स यहाँ पर क्या है भाई आर है। सम आर इज मिनट, कुछ आर मिनट है। फिर बोल रहे हैं ओनली वॉचेस आर मिनट, मतलब ऑल मिनट्स आर वॉचेस, सारे मिनट्स क्या है वही वॉच है बट ये कहीं मूव नहीं करेगा। एंड द लास्ट इज सम वॉचेस आर डायल, कुछ वॉचेस यहाँ पर क्या है डायल हैं। पूछ रहे हैं हमसे सम डायल इज नॉट आर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डायल जो है उनके आर ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो भाई यहाँ पर बोल रहे हैं जो सम डायल इज नॉट आर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डायल के आर ना होने की पॉसिबिलिटी, तो भाई ये तो हो सकता है ना। यहाँ पर आपका जो है करेक्ट बताओ भाई, क्योंकि डायल ना होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, मतलब फर्स्ट वाला तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सम मिनट आर सेकंड, कुछ मिनट सेकंड है भाई नहीं है, तो ये तो गलत साफ साफ दिख रहा है मिनट सेकंड नहीं है। ऑल सेकंड्स आर वॉचेस, सारे सेकंड वॉचेस हैं भाई, ये भी गलत है, सेकंड वॉचेस कहाँ है बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सेकंड और थर्ड फॉलो नहीं कर रहा है। आपको बताना ये है जो फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे, बोथ सेकेंड एंड थर्ड Does not follow। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, लिख रहे हैं ऑल लेनोवो इज ऑनर, सारे लेनोवो फोन क्या है ऑनर है। सम ऑनर इज मोटो, ऑल मोटो इज सैमसंग एंड सम मोटो इज हुवाई, राइट। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो क्योंकि दोनों एच की स्पेलिंग्स हैं। बोल रहे हैं सम एल इज हुवाई, एल हुवाई है दिख रहा है भाई आपको, नहीं दिख रहा, मतलब ये तो गलत है आपका, कोई ये तो फॉलो नहीं कर रहा। बोल रहे हैं सम सैमसंग इज नॉट, देखो भाई नॉट वाले तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है, तो जब कंक्लूजन में निगेटिव हो नहीं सकता अगर स्टेटमेंट में कोई निगेटिविटी है ही नहीं, मतलब ये तो गलत हो जाएगा आपका। फिर बोल रहे सम लेनोवो इज नॉट ऑनर इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई लेनोवो ऑनर सारे सारे हैं, अब बोल रहे ना होने की पॉसिबिलिटी, तो ये भी गलत है आपका, मतलब यहाँ पर तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन नहीं है, या तो यहाँ पर लिखा होता कि भाई कोई फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक ये सेम नहीं अलग है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल लेनोवो इज ऑनर, सारे लेनोवो यहाँ पर क्या है भाई ऑनर है। सम ऑनर इज मोटो, ठीक है, ऑल मोटो इज सैमसंग एंड सम मोटो इज नॉट हुवाई। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है कुछ मोटो जो है वो हुवाई नहीं है, लास्ट वाले में थोड़ा सा अलग था। पूछ क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं सम लेनोवो इज सैमसंग, कुछ लेनोवो सैमसंग है भाई नहीं दिख रहा, लेनोवो का पार्ट ये आ रहा है, सैमसंग का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो गलत है, फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा। सेकेंड की अगर हम बात करें तो लिखा है सम सैमसंग इज नॉट हुवाई, कुछ सैमसंग हुवाई नहीं है, ये तो सही है क्योंकि देखो सैमसंग का ये वाला पार्ट जो मोटो में आ गया वो तो हुवाई नहीं हो सकता ना, मतलब ये तो सही है आपका। फिर पूछ रहे हैं सम लेनोवो इज नॉट हुवाई इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेनोवो हिवाई ना होने की पॉसिबिलिटी, हाँ ये हो सकता है कि ये ना होने की पॉसिबिलिटी हो, ये भी ठीक है। मतलब आपका गलत कौन सा है, फर्स्ट वाला गलत है, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पर आप बी ऑप्शन टिक करो क्योंकि आपको गलत वाला कौन सा है वही टिक करना था। दैट मीन्स ओनली वन के लिए ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चंस ऑफ स्लोगन्स कंप्लीट हो गए, एक पजल कंप्लीट होगी और हमने कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में लॉजिकल के भी किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आपको फिर से दे रखिए एक पजल। लिखा हुआ है 10 पर्सन है जो कि 2 पहला पंक्ति में बैठे हुए हैं और ABCD जो है वो रो 1 में है, दे आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन राइट। इसका मतलब जो रो 1 है वो साउथ देख रही है और PQRST ये रो 2 के लोग हैं जो कि नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। और इन सब में हर किसी की अलग अलग सैलरी है, आपको सैलरी यहाँ पर दे रखी है। बोल रहे हैं देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड सी हु सैलरी इज सेकंड लोवेस्ट। तो पहली बात तो यहाँ पर हम सैलरी नोट यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मान लो ये रो 1 है और ये रो 2 है। रो 1 इज फेसिंग साउथ राइट, रो 2 इज फेसिंग नॉर्थ और 5-5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। तो आपको इसमें सेट करना है विद देयर सैलरीज। अब बोल रहे हैं 2 लोग बैठे हैं ई और सी के बीच में, ई और सी आपका फर्स्ट रो में आना था, ठीक है। और जो सी की सैलरी है वो सेकंड लो है, सेकंड लोएस्ट कौन सी भाई 7K है। तो ई और सी में 2 लोग हैं और सी की सैलरी है 7K, ठीक है। बोल रहे हैं ए इज नॉट फेसिंग आर। अच्छा ए जो है वो आर को फेस सी नहीं कर रहा है तो ये हटा दो, नहीं कर रहा है नॉट कर दो, उसको क्रॉस कर दो। एंड डू नॉट अर्न द हाइएस्ट सैलरी, मतलब ए के बारे में बोल रहे हैं कि जो ए की सैलरी है वो हाइएस्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ए की सैलरी जो है वो 20K तो नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो। फिर बोल रहे हैं क्यू इज सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ पी एंड इज नॉट फेसिंग ई और सी। अब ये बता रहे हैं कि जो पी है उसके सेकंड राइट में कौन है भाई, क्यू है सेकंड राइट में। और जो क्यू है वो ना तो ई को फेस कर रहा है और ना ही वो सी को फेस कर रहा है, ठीक है। आर इज फेसिंग द पर्सन हु सैलरी इज द मल्टीपल ऑफ 5। आर उस पर्सन को फेस कर रहा है जिसकी सैलरी क्या है 5 का मल्टीपल है। तो क्या क्या हो सकता है, 10K हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है। इसका मतलब आर के सामने वाले पर्सन पे 10K सैलरी होगी या 15K होगी या फिर 20K सैलरी होगी। आर के सामने वाले पर्सन की बात कर रहे हैं अगर तो, ठीक है। फिर लिख रहे हैं बी हु इज नॉट द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। लिख रहे हैं कि जो बी है वो ई के पास तो नहीं बैठा हुआ है, जो बी है वो ई के पास तो नहीं है लेकिन जो बी है वो एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा बी होगा तो फर्स्ट रो में ना राइट, तो फर्स्ट रो में 2 एंड है आपके पास बी रखने के लिए, मतलब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ बनेंगी, बी आप या तो यहाँ रख लो या फिर आप बी यहाँ पर रख लो, ठीक है। पूरा पढ़ लेते, 2 लाइन और बची फिर हम इसको सेट करेंगे। और लिख रहे हैं कि टी जो है भाई बी को फेस नहीं कर रहा और नॉट गेटिंग द हाईएस्ट सैलरी इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। अच्छा ये बता रहे हैं कि जो टी है भाई वो बी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो टी है उसकी सैलरी 20K भी नहीं है। और ये बताया गया है कि पी के लेफ्ट में आना है, सेकंड लेफ्ट में कौन, टी। तो हमें यहाँ से एक बात पता लग गई, देखो क्या कि देखो पी के सेकंड राइट में क्यू आना है और पी के सेकंड लेफ्ट में टी आना है। इसका मतलब पी मिडिल में है तभी इसके सेकंड राइट में यहाँ पर क्यू आ पाएगा, यहाँ पर आपका टी आ पाएगा। और जैसे ही पता लगा टी आपका इस एंड पर आ रहा है, इसका मतलब बी इस एंड पर नहीं है क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जो टी है उसके सामने बी नहीं आना है। दैट मीन्स बी यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने इसको सेट कर लिया। फिर ये लिखा था कि ई और सी में 2 का गैप है लेकिन ई और बी साथ में नहीं आने हैं। इसका मतलब आप बी और ई साथ में ले नहीं सकते तो आपको ई यहाँ लेना पड़ेगा, तभी 2 गैप पर आप सी ले पाओगे, है ना। और सी की जो सैलरी है वो 7K है, वो हमें स्टार्टिंग में बता दिया गया था। दैट मीन्स ये आपने सेट कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, अब यहाँ लिखा था कि क्यू जो है वो ना तो ई को फेस कर रहा है ना ही सी को, जो कि नहीं कर रहा है क्योंकि क्यू फेस कर रहा है बी को, ठीक है। बी सेट हो गया, टी बी को नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ लिखा है कि जो आर है वो फेस कर रहा है सैलरी जिसकी है 10, 15 या 20। अब आर 2 जगह पर आ सकता है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आ रहा है तो सामने 7K आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सामने आपका 5 का मल्टीपल ही सैलरी का आना चाहिए आर के सामने। तो इसका मतलब आर आप यहाँ पर लोगे, बचा क्या है आपका एस, तो आप एस यहाँ ले लोगे, ठीक है। आर के सामने वाली सैलरी आपको पता नहीं है अभी, वो आप लिखोगे बाद में, बट यहाँ पर तो नहीं आ सकता था ना, ये हमने निकाल लिया था। फिर यहाँ लिखा है कि जो ए है वो आर को फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए यहाँ ले लोगे और सी डी, डी बचा है डी आप यहाँ लोगे। इस तरह से पर्सन तो सारे सेट हो गए आपके। अब आपको थोड़ा जो कहानी बची है उससे आप सैलरीज फाइंड आउट करोगे, ठीक है। लिखा ये है कि जो ए की सैलरी है वो डबल है सैलरी ऑफ बी, बी की सैलरी से, बट नॉट 18K। मतलब ए की जो सैलरी है वो भाई बी की सैलरी की डबल आप करोगे तो ए की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो वही डबल देखो यहाँ पर आप 6 का डबल आपको 12 दे रखा है। हाँ हो सकता है इसकी सैलरी 6 हो तो इसकी 12 आ जाएगी। 7 तो वैसे पॉसिबल नहीं क्योंकि 7 सी की हो चुकी है। 8 का डबल करोगे तो 16 आपको दिया नहीं है। 9 का करोगे तो आपको 18 दे रखा है, मतलब 9 हो सकता है और यहाँ 18 हो सकता है। 10 करोगे तो 20 आ सकती है, बट यहाँ बोला है कि एक ही सैलरी 20 होनी नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 15 से ज़्यादा बढ़ा तो कोई 15 का डबल करोगे तो 30 तो है ही नहीं। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है ए और बी की सैलरी की, 6 या फिर 9 अगर बी की सैलरी होती है तो ए की सैलरी 12 या 18 हो जाएगी। ठीक है, फिर लिख रहे हैं एस की सैलरी 1000 रुपये कम है डी की सैलरी से। इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड इज नॉट गेटिंग 19K। बोल रहे हैं एस की सैलरी 1000 रुपये कम है डी से, मतलब D-1 करोगे तो आप S की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो S की सैलरी है वो 19 तो नहीं है, इसका मतलब इसकी तो 20 तो नहीं हो सकती। अगर इसकी 19 होगी तो इसकी 18 हो सकती है। हाँ हो सकती है। और मतलब अगर आप इसकी 19,000 करते हो तो यहाँ पर 18 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और देखो कौन सा है आपका 9K हो सकता है। अगर इसकी 9K हो तो आप इसकी जो है वो नहीं 10K भी तो है, तो आप 10K ले सकते हो। इसकी 10K हो, इसकी 9 हो जाए, फिर इसकी आप 9 ले लो, इसकी 8 ले लो, ये भी ले सकते हो। 7 पॉसिबल नहीं है 8 और 7 क्योंकि 7 सी की हो चुकी है। ठीक है, फिर लिख रहे हैं Q इज गेटिंग द स्मॉल सैलरी देन S एंड लेस सैलरी देन E हु इज नॉट गेटिंग द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। बोल रहे हैं Q की जो सैलरी है भाई वो S से तो ज़्यादा है बट E से तो कम है, और जो E है उसकी सैलरी जो है वो सेकंड हाईएस्ट नहीं है, मतलब E की सैलरी आप 19K नहीं ले सकते। ठीक, फिर बोल रहे हैं R इज गेटिंग द सैलरी ऑफ 8K। आर की सैलरी बता दी कि आर की सैलरी 8K है, तो मतलब एस की तो 8K पॉसिबल नहीं है ले पाना। ठीक है, फिर लिखा है डिफरेंस ऑफ द सैलरी बिटवीन क्यू एंड पी इज 5K। क्यू और पी का जो डिफरेंस है भाई सैलरी का वो 5000 रुपये आना चाहिए। इसका मतलब आपने सब कुछ लिख लिया, अब आपको बस सेट करना है। किस तरह से करना है वो आप यहाँ पर देखो। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक ही सैलरी के बारे में आपको दो कंडीशन पता लग गई हैं कि 12, 18 या फिर 6 और 9। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं ये 12 और 9 और 18 वाली बात को। ठीक है, तो आप इसको सेट पॉसिबिलिटी बना के चलोगे यहाँ पर। जैसे सपोज आपने ये माना कि बी की सैलरी भाई 9000 है, तो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी 18000 आ जाएगी। ठीक है, 18 हो गई ये। जब ए की 18000 हो गई तो भाई एस की तो आप 18 ले सकते हैं, एस आपको लेना पड़ेगा 9 और डी की 10, तो एस की लोगे आप 9000। अब देखो 9 पॉसिबल नहीं क्योंकि आप 9 तो बी की ले चुके हो, इसका मतलब ये तो गलत हो गया पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब जो हम बी की सैलरी लेंगे वो क्या लेंगे 6000 लेके देख लेते हैं। 6 लेंगे तो ये हो जाएगी 12000। जब ये 12 हो गई तो फिर आप क्या ले सकते हो, एस की आप लेके देख लो यहाँ पर 9। ठीक है, एस की आपने 9000 ले ली और ये आपने ली 10000। ठीक है, उसके बाद देखो 8 के सामने आपको देखो यहाँ पर भी एक बार हमें समझनी चाहिए थी, आर के सामने हमें 10 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल चाहिए, तो 5 का मल्टीपल 19 तो है नहीं, 10 ही हो सकता है। डी को हमें 10 ही लेना था, तो ये हमारा सही है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बचा है देखो ई क्यू और एस की बात बची है। अच्छा, ई की सैलरी क्या है क्यू से भी ज़्यादा है और क्यू की सैलरी एस से ज़्यादा है, तो 9000 से ज़्यादा देखो 10000 डी की हो चुकी है, 12 ए की हो चुकी है, 15 बची है अभी, 15, 18 बची है अभी, और 19 ए की हो नहीं सकती और 20 हो सकती है। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पर आप 9 से ज़्यादा क्या ले सकते हो, यहाँ पर 15 ले सकते हो और 18 ले सकते हो। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ बच रही है आपके पास। दूसरी बात क्यू और पी का जो डिफरेंस है भाई क्यू और पी का वो आपको 5,000 लेना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 9 यहाँ पर आ चुका है, 9 के बाद आता है आपके पास लिखने के लिए 10 ले चुके हो, 12 ले सकते हो आप, 12 नहीं हो सकता 15 हो सकता है। तो अगर आप क्यू की सैलरी 15 लेते हो तो आपको पी की सैलरी कितनी लेनी पड़ेगी 20, क्योंकि तभी 5 का डिफरेंस पॉसिबल है, तो आप 20 यहाँ लोगे। ठीक है, 15 के बाद क्या बचा है 18 और 19, और बोला है ई की सैलरी 19000 तो है नहीं, इसका मतलब इसकी हो गई 18000 सैलरी और इसकी हो गई आपके पास 19000 सैलरी। तो ये आपकी सैलरी भी सेट हो गई, पर्सन भी सारे सेट हो गए। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑफ दिस पजल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें इसको सेट करना था। क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 दे रखे हैं, 12 से 16 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो इसी पजल पर क्वेश्चन है, तो ये आप आराम से अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग आगे मूव करेंगे, जो आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि इनइक्वालिटी के, जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, तो यहाँ पर आप आराम से नंबर क्वेश्चंस के गेन कर सकते हो, स्लॉगिज्म और इनइक्वालिटी के इजी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है भाई स्टेटमेंट में एस और वाई का रिलेशन एस और टी का, तो एस को जाना है वाई के घर पे, एस यहाँ पे लिखा है, वाई आपका ये लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं एच से, एस एच के घर जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, एच वाई के घर जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, मतलब फर्स्ट तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड में बोल रहे हैं एस जाना है टी के घर पे, एस से एच गए एच से टी गए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सेकंड ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो गया आपका बोथ, तो आप यहाँ पर बोथ के लिए ऑप्शन ई टिक करोगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पर है आई को जाना है आर के घर पे, आई ये लिखा हुआ है और आर ये लिखा है, कनेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं वाई से, वाई के घर गया वाई आर के घर गया, सही है, मतलब फर्स्ट वाला तो ऑप्शन फॉलो कर रहा है। दूसरे वाले में लिखा है ई को जाना है ओ के घर पे, ई यहाँ पर लिखा है ई से जा रहे हैं वाई, बट वाई जा रहे हैं गेट ही क्लोज है, मतलब सेकंड तो फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, तो 18 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है यहाँ पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो यहाँ पर ओ को जाना है बी के घर पे डैश के साथ, यहाँ लिखा है ओ को जाना है बी के घर है बिना डैश के साथ, तो आप चेक कर लो ओ और बी में क्या रिलेशन है, तो ओ ये लिखा हुआ है और बी यहाँ पर लिखा, कनेक्ट कर रहे हैं वी से, तो ओ वी अगर जा रहा है क्या, देखो नहीं जा रहा है, गेट ही क्लोज है, मतलब दोनों ही गलत है भाई, जा ही नहीं रहा है तो डैश लेके जाने की बात ही क्या हो गई, दोनों गलत है, मतलब नन फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन डी आप टिक करोगे नन फॉलो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो यहाँ पर है वाई को जाना है आर के घर पे, और एक में लिखा है वाई को जाना है आर के घर पे डैश के साथ जाना है, तो वाई यहाँ लिखा है आर यहाँ पे लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं एफ से, एफ के घर गया गया बट डैश लेके नहीं जा रहा है, बट एफ की आ गई आर तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेट ही क्लोज है, मतलब ये दोनों भी गलत है, दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब फिर से हम नन ऑप्शन टिक करेंगे, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर आप टिक करोगे। तो इस तरह से आपने 4 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया, आपके 20 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं इस सेट में। आगे आ जाते हैं, तो हमें एक फिर से पजल दे रखी है, बोल रहे हैं 7 पर्सन से जो अलग अलग एग्जाम देते हैं अलग अलग मंथ में, मंथ के नेम गिवन है और एग्जाम के नाम भी आपको आगे दे रखे हैं, तो पहले आप बेस में आप मंथ के नेम यहाँ पे लिख लोगे, मार्च, मई, देन जून, के बाद है जुलाई, फिर अगस्त, देन अक्टूबर एंड देन नवंबर। ठीक है, तो आपने इस तरह से मंथ्स के नेम लिख लिए। आगे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डेज की बात भी हो रही है कि मंथ में इतने इतने डेज होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ 31 डेज होते हैं मार्च में, मई में 31, जुलाई 31, अगस्त 31 और अक्टूबर 31, तो 31 वाले लिखे, बाकी 2 30 वाले बचे हुए हैं। ठीक है, फिर लिख रहे हैं ओ जो है अपना, ओ का जो एग्जाम है वो SSC का नहीं है, ठीक है, तो भाई ओ इज नॉट इक्वल टू SSC CGL। आर ने IPS PO और SSC CHSL नहीं दिया, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि CGL की बात कर रहे थे। आर का जो एग्जाम है वो PO का नहीं है और CHSL का नहीं है। 2 पर्सन आर गिवन एग्जाम बिटवीन Q, 2 लोग देते हैं Q और जिनका SBI क्लर्क का एग्जाम नहीं था, तो SBI क्लर्क का नहीं है, इनका Q की बात कर रहे हैं, और S जिसका एग्जाम 31 वाले मंथ में नहीं होता, इसका मतलब S का एग्जाम जून में या नवंबर में होता होगा, और 2 लोग हैं Q और S के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब Q जो है आपको या तो S जो है वो आपको या तो जून में रखना है या फिर नवंबर में रखना है, तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है, आप S या तो यहाँ पर लोगे या फिर आप S यहाँ पर लोगे, और S के 2 मंथ के गैप पर आपको Q लेना है, मतलब यहाँ पर इसके हिसाब से 2 मंथ के गैप पर Q यहाँ पर लोगे आप। ठीक है, अच्छा, फिर लिखा है पर्सन हु गिव SBI क्लर्क एग्जाम जस्ट बिफोर P एंड जस्ट आफ्टर R। जिस पर्सन ने SBI क्लर्क का एग्जाम दिया है वो जस्ट पहले एक इसके P से और जस्ट बाद में इसके R के, मतलब R व्हेन आपको लिखना है SBI क्लर्क और फिर आपको लेना है P। ठीक है, आपको ये लाइन से लेना है। ठीक है, ऐसा। फिर बोल रहे हैं SBI PO जिसने दिया है वो जस्ट बिफोर है किसके N के एंड जस्ट आफ्टर है किसके M के। सेम बात SBI PO के लिए बोली जा रही है, SBI PO का जो एग्जाम है भाई वो जस्ट पहले है किसके N से और जस्ट बाद में है किसके M की, तो ये आपको M N ऐसा करके लेना है, M देन SBI PO देन N। ठीक है, फिर बोल रहे हैं जितने भी लोग एग्जाम देते हैं SBI SO से पहले उतने ही लोग बाद में देते हैं SSC CGL के बाद में, तो SBI SO से पहले जितने लोग हैं उतने ही CGL के बाद में लोग एग्जाम देते हैं। और फिर P के बारे में बता रहे हैं कि P ने जो एग्जाम है वो ना तो IPS PO दिया है ना ही क्लर्क दिया है, तो लिख लो भाई P के बारे में बात कि उसने IPS PO का भी नहीं दिया है और क्लर्क का भी नहीं दिया है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप देखो इन दोनों चीजों को सेट करने की कोशिश करते हैं हम। अगर मैं फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी की बात करूं तो देखो आर डैश पी, तो आर यहाँ तो ले नहीं सकते हम आर मार्च में, क्योंकि आर डैश पी यहाँ पर एस आ चुका है, यहाँ ले सकते हो आप आर डैश पी, बिल्कुल ले सकते हो आर डैश पी। उसके बाद एम डैश एन आप यहाँ ले सकते हो, एम डैश और एन बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका एसबीआई क्लर्क, और देखो एस पे कोई कहा भी नहीं है कि एसबीआई क्लर्क नहीं आना है। और ये हो गया आपका आईपीएस सॉरी एसबीआई पीओ हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेट करने की कोशिश करें अगर हम तो यहाँ पर आपका आ जाता है आर डैश पी, तो यहाँ आप ले लोगे एसबीआई क्लर्क, ठीक है। यहाँ पर आपका एम डैश एन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है एक लेके, यहाँ भी जगह नहीं है, मतलब यहाँ तो आपका सेट नहीं हो पाएगा। इस वाला ये वाला केस तो गलत है, इसमें आप आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब आंसर जो है वो आप इस वाले केस में ही निकालोगे, ठीक है। अब क्या बोला है ओ बचा है, ओ आप यहाँ ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि ओ के पास एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं देना है उसको, ठीक है। तो सीजीएल आपका ओ पर पॉसिबल नहीं है, और सीजीएल और एसओ जो है वो साथ एक दूसरे के गैप पर आने हैं, ऊपर नीचे के गैप से, तो ओ पर सीजीएल नहीं आ सकता। बट अगर हम आर पर रखें तो यहाँ पर पीओ आ चुका है, मतलब यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ और यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि सीजीएल आप यहाँ पर लोगे और एसबीआई एसओ आप यहाँ लोगे, तब ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर और उसके नीचे सेम लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा है देखो, अब यहाँ लिखा है ओ हो गया आपका, आर की बात करें तो आर पे पीओ भी नहीं है और सीएचएसएल भी नहीं है। पीओ कौन सा, आईपीएस पीओ, और पी पर भी आईपीएस पीओ नहीं है, इसका मतलब आर पी छोड़ दो, बचा कौन सा है एम। तो यहाँ पर हो गया आपका आईवीपीएस पीओ का एग्जाम। अब सीएचएसएल में आर पे नहीं है, इसका मतलब सीएचएसएल आपका यहाँ पर हो जाता है। अब क्या बचा आईपीएस क्लर्क, तो आईवीपीएस क्लर्क आप यहाँ पर ले लोगे। तो इस तरह से आपका ये हो गया सेट पजल, इस तरह से आपको करना था। तो ये है आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इसके बाद 5 क्वेश्चंस गिवन है जो कि आपके 21 से 25 तक है, जो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसके आंसर्स आप लोग खुद से टिक कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपको आगे दे रखा है क्वेश्चन जो कि है ऑर्डर रैंकिंग का। बोल रहे हैं 5 लोग हैं जिनका अलग अलग वेट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द वन हुज वेट इज 20 इज लाइटर देन सी, जिसका वेट 20 है वो सी से छोटा है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं D is 12 kg lighter than C, D 12 किलो कम है किससे, C से। तो भाई C के जो भी है उससे 12 कम करोगे तो D की H निकल आएगी, ठीक है। फिर लिख रहे हैं B is heavier than E, who is heavier than A, ठीक है भाई। B is heavier than E, who is heavier than A, only 1% is lighter than D, D से छोटा केवल एक ही पर्सन है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 लोग आप इस तरह से ले लोगे, ठीक है। फिर लिख रहे हैं कि सी जो है वो ई से हैवियर है, सी हैवियर है ई से, मतलब सी जो है आप यहाँ लोगे ई से हैवियर है, ई बड़ा है ए से, और यहाँ पर आ गया आपका बी। फिर लिख रहे हैं सी हैवियर नहीं है, सी हैवी सही है, और वेट ऑफ ए और ई इज नॉट द इवन नंबर्स, ए और ई का वेट जो है वो इवन नंबर्स नहीं है। अच्छा ऑड नंबर है, ए और ई का वेट की बात कर रहे हैं तो ये आपको ऑड लेने हैं, ए बी और ई बी। फिर यहाँ बोला जा रहा है कि सी का जो वेट है वो 20 से ज्यादा है, इसका मतलब 20 का जो वेट है वो डी का होगा तभी ज्यादा पॉसिबल है, और सी का वेट 12 किलो ज्यादा है किससे, डी से, इसका मतलब सी का वेट हो गया 32 किलो तभी पॉसिबल है। इतने आपको दे रखा था, आपने बना लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन हैवियर देन ई, ई से हैवी कितने लोग हैं, ई से हैवी 2 लोग हैं, तो 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे। बोल रहे हैं पॉसिबल वेट ऑफ ई, ई का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है, ई का वेट 32 से 22 के बीच, 32 से 20 के बीच में होगा, लेकिन ऑड नंबर होगा। तो भाई ये तो है नहीं, 32 से ये होगा, बाकी तो कोई भी नहीं है, तो 29 पॉसिबल वेट हो सकता है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर आप टिक करोगे, क्योंकि वो 32 से 20 के बीच में आ रहा है और ऑड नंबर भी आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं जो कि आपके आर्ग्यूमेंट और पे बेस्ड है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है शुड द प्रोविजन ऑफ डिसॉल्व द असेंबली पार्लियामेंट बी अमेंडेड। बोल रहे हैं विधानसभा को समय से पहले भंग करने का प्रावधान संशोधन किया जाना चाहिए, मतलब जो विधानसभा है उसको समय से पहले भंग करना हो तो उसका जो अमेंडमेंट है उसका आपको मतलब संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और क्या आपको दिया गया आर्गूमेंट, यस करना चाहिए। कई मौकों पर ऑन मैनी ओकेजन द प्रोविजन हैज बीन यूज बाई रूलिंग गवर्नमेंट टू फुलफिल दर वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने अपने प्रावधान का अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए करना चाहिए। तो हाँ ये भाई आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में बोल रहे हैं नहीं, टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस एंड नॉर्म्स इट समटाइम्स बिकम्स द नीड ऑफ द आर टू डिसॉल्व द असेंबली प्रीमैच्योरली, कभी कभी आवश्यकता बन जाती है कि कभी हम उसको पहले ही मतलब असेंबली को डिसॉल्व कर दें कुछ समय पहले ही। तो ये बात भी स्ट्रांग लग रही है। मतलब लेकिन ये बात है भाई स्वार्थों को पूरा करने के लिए और उसके लिए यहाँ पर दोनों बातें कही जा रही हैं, दोनों बातें आपस में क्या है एक कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो या तो आपका ये होगा या फिर आपका ये वाला ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शुड ओनली रेप्यूटेड एनजीओज बी ऑथराइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द कम्युनिटीज टू पब्लिक अंडर द प्रोग्राम ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या केवल प्रतिष्ठित एनजीओ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम के तहत जनता को वस्तुओं को वितरित करने के लिए ही अधिकृत किया जाना चाहिए? आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट में बोला जा रहा है कि हाँ, यह कदम कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मददगार साबित होगा और पीडीएस के तहत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी जैसी विभिन्न समस्याओं पर नजर रखेगा। बिल्कुल स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट लग रहा है। दूसरा बोल रहे हैं यस एनजीओ में ने कई मौकों पर सरकार की मदद की है। तो ये भाई बात सही नहीं है कि सरकार की मदद करने की बात, ये कोई स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट नहीं लग रहा। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आप टिक करोगे, ओनली इस आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्या बताना है यहाँ पर आपको, दो कंक्लूजन दे रखे हैं, बताना ये कौन सा फॉलो कर रहा है। लिखा है वी फॉलो सम ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस यूज्ड बाय लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक स्टेटमेंट दिया गया प्रोफेसर एमएन इंस्टीट्यूट ने कि हम दुनिया भर में अग्रणी संस्थानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ सर्वोत्तम और प्रभावी शिक्षण अधिगम अभ्यासों का पालन करते हैं। तो इससे क्या निकल रहा है वो आप समझो, बताना है आपको। पहला बोल रहा है कि जो एमएन इंस्टीट्यूट है इज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो संस्थान है एमएन संस्थान वो सबसे अच्छा है, दुनिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। तो वह यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो पालन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उनका, जो दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षण प्रणाली है उस मतलब जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो प्रैक्टिस है उसका यूज उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एमएन इंस्टीट्यूट ही लीडिंग इंस्टीट्यूट है। तो फर्स्ट तो गलत है आपका, फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा। दूसरे वाले में बोल रहे हैं वॉट एवर इज बीइंग फॉलोड बाय वर्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली बी गुड एंड यूजफुल। हाँ, ये बात सही है कि जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है वो फॉलो करेगा वो अच्छा और उपयोगी होगा। तो ये बात सही है क्योंकि तभी तो वो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी जो है वो उसका कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जो कि आपके PYQs हैं LIC AAO मेन्स के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी आगे आने वाले आपकी मेंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको कंप्यूटर रीजनिंग कोर्स मिलेगा जो कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग को बिल्कुल एंड तक अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कोर्स में किस तरह से पढ़ाया गया है उसकी चर्चा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करी गई वीडियो में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अबाउट द रीजनिंग कोर्स करके लिखा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जान सकते हैं कोर्स में किस तरह पढ़ाया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर सारे आपको PYQs मिल जाएंगे। मेंस यहाँ पर 40 क्लासेस अवेलेबल हैं फिलहाल में, अपडेट भी हो जाएगा तो आपको अपडेट क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप यहाँ पर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब पर हमने कुछ दिन पहले ही SBI क्लर्क PO मेंस के लिए सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें 50 क्लासेस कंप्लीट करी हैं। तो हर क्लास में हमने बहुत अच्छे लेवल का पजल सॉल्व किया है मेंस लेवल का। तो आप इसमें भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, प्लेलिस्ट रेडी है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।